सेकेंड अटैम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, मैंने शाम को मैंने कहा यार ठीक है डिसाइड कर लो, या रो लो या बुक्स पकड़ के पढ़ लो, एक डिसीजन तो होगा, अगर रोना है तो एक दिन रख लो, रो लो अच्छे से। क्योंकि मैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी दिन भर, फिर वो सब कुछ, फिर वो नहीं हुआ तो फिर हो जाता थोड़ा डिसअपॉइंटेड। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन लेते हैं ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से डिसाइड करते हैं। How are you? How are you feeling after clearing UGC NET? I'm feeling awesome. Only because of you I am here. Oh, no. It's not like that at all. I think it is a combined hard work of the teacher and the student that leads to the success. So, you know, it would be unfair if I take all the glory. It was totally your effort. I was just the one who was giving you a direction. So I'm very, very proud of you, Jyoti, and I am really, really happy to see that you have achieved this. Before we begin into and dive into questions, I would want to know about you. What, from where are you? What have you done? And what is your current, current state as in, are you working somewhere or are you a college student? Ma'am, I did my graduation from Paid College Jammu. And PG from Jammu University, and I am from District Doda from Jammu. And okay, now I am preparing for PhD. Okay, and from where have you done your master's? From Jammu University. Jammu only. Okay. Oh wow! Great, great. So, how is Jammu as a place to live in? We hear a lot about internet not working and a lot of curfews and strikes. So is that the scenario? Yes, ma'am. But not all the time. Kabhi kabhi ho jata hai. Kabhi kabhi ho jata hai. Right, right. So I want you to be absolutely relaxed and very freely. Just share with us whatever the, whatever you felt was your journey like in the entire UGC NET process. So you can use any language you're comfortable with, but I just want you to authentically share what was the entire journey like, and how did you start, and what were the challenges, and how did you overcome it. So we'll talk about all of that. Let us first begin by talking about when did you start preparing for NET? मैम, मैं एमए में थी तब तो मुझे यूजीसी नेट का कोई आइडिया भी नहीं था कि ये पेपर होता क्या है, कुछ भी नहीं। बट हमारी क्लास के बच्चे पेपर देते थे तो मुझे भी आइडिया था, हाँ नेट नाम का भी कोई चीज है, होता है पेपर। फिर जब मैंने पेपर, उसके बाद मैंने एमए में पेपर नहीं दिया था। जब मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, फिर आई जस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन यूट्यूब कि कौन सी टीचर से पढ़ूँ मैं, क्या होता है नेट, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। फिर मुझे वहां पे आपका वीडियो दिखा कि आपने कहा मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था, ये स्ट्रेटेजी, नोट्स आपके वो नोटबुक्स वगैरह वो सब देखा मैंने, आपका लेक्चर्स वगैरह। फिर मैंने सोचा यहाँ से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ अपने। फिर उसके बाद मैंने आपका कोर्स इनरोल किया, mid 2021 में मैंने आपका कोर्स परचेज किया। उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन नोट्स बनाए ऑडियो सुन के, नोट्स वगैरह, क्योंकि ऑडियो से नोट्स बनाना इज अ वेरी हेक्टिक। फिर उसके बाद फिर मैंने वो नोट्स प्रिपेयर किए, उनको लिखा। उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा हो गया तो उस टाइम नॉर्मली 6% रिजल्ट आता है, बट उस टाइम 4% ही रिजल्ट आया था। एक तो उस टाइम मेरे परसेंट 2 पॉइंट से मेरा रह गया था। तो उसके बाद फिर, और जब मैंने वो देखा, मैंने देखा कैटेगरी 91 पे हो गया और जनरल 97 पे भी नहीं हो रहा, फिर आई थॉट यार कोई नहीं, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर दे देते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट में भी नहीं हुआ, उसमें भी कुछ पॉइंट से रह गया था। तो फिर मैंने कहा अब मे भी शायद से ये है ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, अभी करते हैं, अभी ट्राई करते हैं एक बार और। फिर थर्ड में मैंने दे दिया और तब मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए, 99 पॉइंट समथिंग, बट फिर भी जेआरएफ कुछ मार्क्स से रह गया।
फिर उसके बाद मैंने फोर्थ अटेम्प्ट फिर अभी इस वाला दे दिया, अभी जेआरएफ फिर से रह गया बट नेट हो गया, फिर अब मैं बस ओके. वाओ वंडरफुल. सो इतने बार आपने अटेम्प्ट दिया है एंड कभी फेलियर आपने देखा है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा मन नहीं किया कि आई शुड लीव दिस एंड इट, जैसे आपने अभी कहा कि इट इज नॉट फॉर मी, तो आपने बाउंस बैक कैसे किया? हाउ डिड यू गैदर करेज कि नहीं अब मुझे दूसरी बार भी प्रिपेयर करना है? मैम जब मैंने देखा मैंने सोचा अगर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया तो लाइफ टाइम मेरे को रहेगा यार मैंने वो पेपर नहीं दिया था, और एक टाइप ऑफ बैगेज रहेगा कि मेरे से नहीं हो पाया था वो. फिर मैंने कहा या तो एक ऑप्शन है, या तो लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहेगा कि मेरे से नहीं हो पाया था, या तो एक अटेम्प्ट अच्छे से और दे देते फिर जो होगा देखा जाएगा. सच अ नाइस थिंग, मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल लर्निंग ज्योति फॉर आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो फेल होते हैं नेट में एक बार, दैट यू नो We should never have those regrets on the deathbed. कि जब आप वहाँ पे हो deathbed पे, you're like काश मैं ये कर लेती, काश मैंने ये कर लिया होता. So we should always in life, whatever we feel that we should be doing, एक बार अपना 100% दे दो. अगर नहीं हुआ तो at least you'll be like कि नहीं यार मैंने किया था. जैसे there are so many UPSC aspirants who prepare for UPSC, they give their 100%. कई लोगों का prelims हो जाता है, mains हो जाता है, interview रह जाता है. एंड दे डिसाइड कि अब उन्हें परस्यू नहीं करना है, बट एटलीस्ट उनको लाइफ में ही रहता है यार मैंने पूरा एक साल या दो साल अपने लाइफ को दिया है. एंड देयर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट चांस कि अगर कोई इस डेडिकेशन से पढ़ रहा है ना और वो क्लियर नहीं करे. आई रियली बिलीव दैट इफ यू हैव दैट डेडिकेशन कि यार एक अटेम्प्ट पूरी शिद्दत से देना है, तो पूरी शिद्दत से दे के नेट जैसा एग्जाम आराम से कोई भी पास कर सकता है, इज वॉट आई फील. बट वेरी नाइस यार, मतलब फेलियर के बाद भी यू डिडंट स्टॉप, यू गेव द अटेम्प्ट. एंड जम्मू जैसे जगह में रह के जहाँ पे आए दिन पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती रहती है, देयर इज सो मच अनरेस्ट अराउंड, आपने प्रिपेयर किया. सो कूडोज टू यू एंड कूडोज टू एवरी वन हु हेल्प यू एंड सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी. ओके, नाउ आई वॉन्टेड टू नो, आपने जब प्रिपेरेशन स्टार्ट किया तो फर्स्ट थिंग आपने क्या करा, मतलब जब आपने डिसाइड किया ओके मुझे नेट देना है, तो क्या था, आपने पेपर का सिलेबस देखा या क्या किया आपने? मैम पहले तो मैंने आपकी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लिया. मैंने देखा सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, वास्ट सिलेबस है, कोई आइडिया नहीं कहाँ को जाना है, क्योंकि जब नेट का सिलेबस वो डायरेक्ट ड्रामा नॉवल दे देते हैं कि ये प्रिपेयर कर लो, तो बट उसके अंदर क्या करना है वो तो गॉड नोस. फिर उसके बाद फिर मैंने जब आपका सिलेबस देखा वहां पे राइटर्स ब्रिटिश लिटरेचर जो मॉड्यूल वाइज सिलेबस है वो वाला ओके. तो फिर उसके बाद मैंने उसको कंप्लीट करने का सोचा. मैंने जैसे आप बोलते हो कि 70% ब्रिटिश से ही आता है, 70% ब्रिटिश जिसने कवर कर लिया उसका हाफ हो जाता है सिलेबस. उसके बाद मैंने ब्रिटिश स्टार्ट कर लिया, थ्योरी क्रिटिसिज्म इंडियन अमेरिकन, बट कंप्लीट मॉड्यूल्स में कर नहीं पाई थी क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था. पोस्ट कॉलोनियल में से रह गया था, फिर उसके बाद यूरोपियन में से नहीं हो पाया था. लेकिन आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जिसमें आप फेल हुए, तो उसमें आपने कुछ कुछ पार्ट ही आप कवर करके जा पाए थे? यस मैम. ओके, और अभी जिस बार आपने नेट क्लियर करा उस टाइम पे क्या आपका पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो गया था? सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ था, बट मैंने उसी को बार बार रिवाइज कर लिया, फिर अच्छे से रिविजन ज्यादा हो गई थी उस टाइम में. और मुझे लगता है इस पेपर में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करो ना करो, बट रिवीजन जरूरी है. रिवीजन इज द की. मतलब आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो लाइफ में, कभी भी सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं होता. इवन जो टॉपर्स भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि यार पढ़ा तो मेरा भी कुछ कुछ तो रह गया, ये तो नहीं किया, ये क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से नहीं करे, ये नहीं करे. बट व्हाटएवर दे हैव डन, अगर उसको उन्होंने थरली रिवाइज कर लिया है, सो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि आप क्लियर कर पाएंगे. एक इंसान जिसने बहुत कुछ पढ़ा बट रिवाइज नहीं किया, एक जिसने लिमिटेड पढ़ा बट उसको मल्टीपल बार रिवाइज किया, आई बिलीव कि हमेशा 99% केसेस में दिस पर्सन विन्स ओवर दिस पर्सन जिसने बहुत वास्ट पढ़ा है बट ही डिड नॉट रिवाइज. सो वेरी नाइस, आपने ये चीज समझी कि इवन इफ यू नॉट एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस, बट आपने नेट क्लियर किया इवन इफ यू स्किप्ड अ फ्यू मॉड्यूल्स, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ऑल द 13 मॉड्यूल्स यू शुड डू इफ यू वांट टू क्रैक नेट. आपने कितने सारे मॉड्यूल्स छोड़े उसके बावजूद आपने पेपर क्लियर किया है, सो दैट इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, ग्रेट जॉब. मतलब जब भी मेरा पेपर हुआ मेरे इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल ही आया,
फोर टाइम्स या फोर के फोर टाइम्स 99 पॉइंट समथिंग, और ये सब कुछ आपके ही कारण हुआ, आपका सिलेबस, आपका मटेरियल, ऑडियो लेक्चर, सब कुछ. थैंक यू सो मच, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर अ टीचर. और ऊपर से मेरा स्ट्रीम साइंस, मतलब साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा. आपने बैचलर्स, ओ आपने बैचलर्स में बीएससी लिया था, राइट? यस मैम. तो उसके बावजूद आपको कुछ समझने में दिक्कत आई, मतलब जब आपने लिटरेचर पढ़ना चालू किया फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू? नो मैम, क्योंकि आपने इतने अच्छे वे में सब कुछ बताया हुआ है, पूरा बेस से लेके. मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी किसी भी स्ट्रीम से आएगा ना, अगर वो आपका ऑडियो अच्छे से देख लेगा, उसका अच्छे से हो जाएगा. हो जाएगा. आपने और कुछ भी रेफर किया था कोर्स के अलावा? नो मैम, कोई बुक्स वगैरह आपने रेफर नहीं करी थी? कहीं पे आपको जरूरत लगी कोई, जैसे ऐसे मैंने इंटरनेट समरीज वगैरह है जिनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ऑडियोज में, तो वो आपको समझ आती थी? आपको लगता था नहीं, मैं क्योंकि उस बैकग्राउंड की नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है? नो मैम, समझ सारा आ जाता था. जब कुछ एक्स्ट्रा देखना होता था विकिपीडिया से मैं चेक कर लेती थी, बट मैंने स्टिल मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है. मैं आपके नोट्स को रिवाइज करती हूँ, विकिपीडिया, बस यही सब कुछ है. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते हैं यार ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक से पढ़ने से ही होगा. मैंने कहा नहीं, मेरे मेरे पास मैम के नोट्स हैं, वो सफिशियंट है मेरे लिए. That is so nice that you've shown that kind of faith. Because my father used to say a very beautiful thing ki do naav mein kabhi sawar nahi hote hain, क्योंकि आप गिर जाओगे, डिसबैलेंस हो जाओगे. तो आपको एक, आपको जब आप टीचर या कोचिंग जो भी ज्वाइन करने वाले उस टाइम पे यू शुड डेफिनेटली सर्च, यू शुड गो आउट, सी कौन कौन लोग है, यू हैव टू सी कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, एंड देन विच एवर टीचर रेजोनेट्स विथ योर टीचिंग, योर लर्निंग मेथडोलॉजी, एंड देन यू शुड स्टिक टू दैट टीचर. आप उसको एक बार मान लो कि अब जो ये बता रहे हैं ना, बस उस रिश्ते पे चल दो. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो आपने वही पाथ फॉलो किया एंड आपने उसी को बार बार रिवाइज किया, जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ दैट प्लीज सुबह उठ के विदाउट विदाउट मिसिंग जो भी आपने पढ़ा है वो पहले रिवाइज करो एंड देन स्टार्ट लिसनिंग टू द न्यू ऑडियोज. तो दैट इज सो नाइस. जिसे आपने आपने मेडिटेशन भी शेयर किया हुआ है, फिर मैं वो मेडिटेशन भी करती थी सुबह. नॉर्मली मैं 3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे उठ के फिर मैं पहले रिवाइज कर लेती थी, फिर दिन भर मैं वो ऑडियोज से लेक्चर्स को सुन के नोट्स प्रिपेयर करती थी. एग्जाम के टाइम पे स्पेशली आपने कितना भी पढ़ा हो, बट अगर वो 3 घंटे आप स्ट्रेस में नहीं हो ना, तो आप 5 सिली मिस्टेक्स जो कर सकते थे वो आप नहीं करोगे. बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हो, आपका बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें होती है कि आपका दिमाग फंक्शन करना बहुत कम कर देता है. और स्ट्रेस अगर आपने कंट्रोल कर लिया थ्रू मेडिटेशन, तो यू कैन गिव योर 150% इन द पेपर. सो दैट इज सो नाइस. एंड प्लीज कंटिन्यू विद मेडिटेशन वेयर एवर यू गो. जस्ट वन सजेशन, इट विल हेल्प यू टू गो थ्रू सो मेनी डिफिकल्ट चैलेंजेस इन लाइफ इन अ वेरी वेरी इजी वे. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू एक्चुअली यूज द मेडिटेशन टू calm your nerves during the exam. One more thing, Jyoti, that I want to ask you is that when you look at chronological questions in the paper, ya aisa koi difficult question jo aapko nahi aata hai, to what was your strategy to tackle those questions? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके नोट्स हैं उसमें सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है. जब मैं पेपर कर रही थी मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद नहीं था, बट वो नोटबुक, वो पेज, वो कि ऑथर इस साइड है, इस साइड इसका पहले वर्क आएगा, वो सारी विजुअल्स सामने आ रही थी, पिक्चर्स, उसके अकॉर्डिंग हो जाता था. सो इसमें वो ओके, वाओ, वेरी नाइस. सो क्रोनोलॉजिकली आपने कोई भी डेट्स वगैरह याद नहीं करी है? नो मैम, इतना नहीं किया, क्योंकि आपके नोट से हो जाता था वो कवर. ओके. एंड जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता था एग्जाम में, जहाँ पे आपको लगता था कि यार ये तो अननोन क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पढ़ा, या आपने कोई मॉड्यूल छोड़ा है वहां से अगर क्वेश्चन आया, सो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करते थे? क्या वहां पे घबराहट हो जाती थी या क्या लगता था? नो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करती थी उसको करने का, कि अगर हो गया तो ठीक. जब 2 में से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगता था, फिर मैं 1 के साथ चले जाती थी, 4 में से तो 2 तो हो जाता था श्योर कि नहीं है ये. भी आपने पास्ट ईयर पेपर्स मॉक टेस्ट रेफर करे थे एग्जाम से पहले?
PYQs किए थे मैंने 2010 से लेकर 2020 तक, जितना था वो सारे PYQs मैंने सॉल्व कर लिए थे, आपकी साइट पे पड़ा हुआ था ना सब कुछ, वो सब कुछ मैंने डाउनलोड करके उनका निकाल लिया था, PDFs तो भी कर लिया था। ओके, तो आपने जब PYQs प्रैक्टिस करे और PYQs में जब कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते थे तो आप क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक PYQ किया जो 100 क्वेश्चंस थे, 100 में से आपके 80 सही हुए या 70 सही हुए, तो आप क्या आगे मूव करते थे या जो आपके गलत हुए उसके साथ आप कुछ उसका एनालिसिस करते थे, डिटेल में पढ़ते थे? यस मैम, जब कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता था फिर मैं उसको नेट से सर्च कर लेती थी, उसका ऑथर, उसका वर्क, थोड़ा ऑथर का बैकग्राउंड पता हो तो फिर कोई भी वर्क इजली कर लेता है बंदा, कि ये ऑथर इस एज से ये लिखता है, ये रियलिज्म से रिलेटेड है, फिर उससे हो जाता था, पहले नेट से सर्च कर लेती थी। नेट से आप सर्च करते थे। लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज क्योंकि आप BSc बैकग्राउंड से, आई एम प्रीटी श्योर कि थ्योरी क्रिटिसिज्म समझना बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, उसको आपने कैसे समझा? मैम पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या थ्योरी क्रिटिसिज्म में डिफरेंस ही क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है क्रिटिसिज्म नेगेटिव वे में होता है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना कुछ वैसा होगा, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना आपके ऑडियोज में कि क्रिटिसिज्म नेगेटिव ही नहीं होता है, क्रिटिसिज्म बहुत पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका व्यू पॉइंट है वो आपको देना होता है, तब मैंने कहा नहीं नहीं क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं नहीं फिर थीरी कर लिया आपकी ऑडियोज से, थीरी क्रिटिसिज्म सब बच्चे बोलते हैं थीरी टफ होता है टफ होता है, बट मैंने जब आपकी ऑडियोज देखी थी मेरा हो गया था, मैंने कहा इतना भी टफ नहीं होता जितना बच्चे बोलते हैं। राइट राइट, तो थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं आई? नो मैम। ओके, एंड एक चीज मुझे आप और बताएं कि ऐसा कुछ मिस्टेक आपको लगा था जो आपके फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने किया, जिस वजह से यू थॉट कि आई वाज नॉट एबल टू क्लियर नेट? मैम मेरा पेपर फर्स्ट काफी वीक था इस वजह से, अपने पेपर में मेरे को जब भी मैंने अटेम्प्ट किया 99 point something आ जाते थे हमेशा, लेकिन जो पेपर फर्स्ट था उसमें मेरे 20 marks, 24 ऐसे 50 out of इतने क्वेश्चन ठीक होते थे, इसके कारण पेपर फर्स्ट मेरा वीक था। फिर आपने उसको बेटर कैसे किया? फिर मैंने कुछ ऑडियोज आपकी पेपर फर्स्ट की थी मैंने वो परचेज कर ली, रिसर्च कर लिया, टीचिंग कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा तलवीर सर का भी रेफर कर लिया, क्योंकि मैथ मेरा थोड़ा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, फिर उसके कारण हो गया। ओके, तो आपने पेपर वन को फिर फोकस देना शुरू किया, बिकॉज जैसे आपने बताया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से लिटरेचर में हमेशा 99 percentile स्कोर किया, बट स्टिल नेट नहीं हो रहा था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि पेपर वन पे आपने फोकस नहीं किया। गॉट इट, बिल्कुल। एंड आप ये बताएं कि आपने जो भी चारों पेपर्स दिए UGC नेट के, इंग्लिश के पर्टिकुलरली पेपर टू के, तो हर बार आपको पेपर डे के क्या फील होता था? आप जब हॉल के बाहर आते थे आपको लगता था बहुत टफ था, मॉडरेट था, बहुत ही ईजी था, क्या फील होता था आपको? मैम मुझे अपना पेपर हमेशा इजी लगा जो मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश का, क्योंकि उसकी फाउंडेशन अच्छी हो गई थी, मैंने आपकी ऑडियोज वगैरह देखी थी, लेकिन पेपर फर्स्ट का मेरे को ऐसे ही रहता था कि यार हो जाएगा पास, किया इसमें आ जाएंगे, एटलीस्ट 50 out of 20 होना ही चाहिए। फिर उसके बाद और ऊपर से जनरल वालों के लिए तो नियर अबाउट 30+ होने ही चाहिए, नहीं तो होने ही चाहिए, राइट, डिफिकल्ट हो जाता है काफी। बिल्कुल, तो मतलब ऐसा नहीं था कि आपको पेपर देख के लगा कि डिफिकल्ट है, या जैसे कई बार होता है कि बहुत बार होता है कि पेपर होने के बाद में एक मार्केट में एक हाहाकार मच जाता है, और इतना डिफिकल्ट पेपर आया, इस बार तो ऐसा पेपर था, आज तक नेट की हिस्ट्री में ऐसा पेपर नहीं आया। तो आपने चार अटेम्प्ट दिए हैं, तो हर अटेम्प्ट में आपको कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा फील हुआ कि बहुत आउट ऑफ द सिलेबस पेपर था? थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग तो आए हैं, क्योंकि पहले 2010 के क्वेश्चन देखे, नियर अबाउट 2018 तक क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर्स थे, डेट वर्क किसका है ये, लेकिन अब इन डेप्थ क्वेश्चन हो गए हैं, घुमा के ट्विस्टेड क्वेश्चन हो गए हैं काफी ज्यादा, इस वजह से उस टाइम में और आज के नेट में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, और वो होना भी चाहिए ना, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था तो लोगों को प्रिपेयर करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो नाउ दैट यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज एट योर एंड, तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए उन्हें पेपर टफ करना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत इजी देंगे तो पढ़ के क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा, अब इतनी सारी चीजें हो गई। दैट इज सो नाइस यार, आई एम द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक, आपने जो पूरे उसके अंदर कहा कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा, ऐसा फील नहीं हुआ, गिव अप की होप नहीं आई, जो कई बार हो जाता है कि एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, फील सो डिसहार्टेड दैट आपको लगता है यार नहीं, सो दैट वाज सच अ लवली लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट ठीक है नहीं हो रहा है तो एक बार ये देख के देखते हैं कि क्या हमने अपना 100% दिया है,
जब भी किसी का नेट नहीं हो तो सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से पूछ ले कि क्या मैंने 100% दिया है और तब नेट नहीं हुआ, या मेरी प्रेपरेशन में कहीं कमी रह गई थी। अगर ये जवाब आता है कि आपकी प्रेपरेशन में जो कमी थी तो क्यों नहीं एक बार 100% देखे और फिर नहीं आए तो देन दैट्स फाइन। सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, मैंने शाम को मैंने कहा यार ठीक है डिसाइड कर लो, या रो लो या बुक्स पकड़ के पढ़ लो, एक डिसीजन तो होगा। अगर रोना है तो एक दिन रख लो, रो लो अच्छे से। सही बात। क्योंकि क्योंकि मैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी दिन भर, फिर वो सब कुछ, फिर वो नहीं हुआ तो फिर हो जाता थोड़ा डिसअपॉइंटेड। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन लेते हैं ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से डिसाइड करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली एकदम जो बोलते हैं ना रिवाइंड बटन दबा के एकदम रीलोड ही कर दिया आपने टैब को, कि ठीक है जो है ओके, आज का दिन मैं अपने आप को देती हूँ कि जितना रोना है, जितना दुख मनाना है, जितना भगवान को कोसना है, खुद को कोसना है, गिल्ट में आना है, सब आ जाते हैं। आज के दिन वी लिव ऑल द नेगेटिव इमोशंस एंड कल से वी आर गोइंग टू डू अ फ्रेश जर्नी, वी विल स्टार्ट अ फ्रेश जर्नी एंड देयर वी आर गोइंग टू गिव आवर 100%। दैट इज सो नाइस। एंड द शोकेसेस कि आपने लाइफ में कितना कुछ सीखा होगा इस वाली चीज से, बिकॉज समबडी हु हैज गॉन थ्रू फेलियर, फेलियर हमेशा बोला जाता है आपको सक्सेस से ज्यादा सिखाते हैं। सो दिस रेजिलियंस नाउ दैट यू हैव कि नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं हुआ आज का दिन रोल लेते हैं, कल से वापस स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ लाइफ लेसन दैट यू कैन यूज इट एनीथिंग इन योर लाइफ। कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट थिंक कि चलो आज रो लेते हैं, नहीं हो रहा, नहीं बैठ रहा, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, आज रो लेते हैं, कल से वी आर गोइंग टू गिव आवर 100% एंड लेट्स सी ठीक होता है क्या। राजस्थान में जम्मू में कैसे मिलूंगी, बट आज फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। आई एम सो सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस लव यार। मेरे को जब भी स्टूडेंट्स ऐसा कुछ बोलते हैं आई गेट सो इमोशनल कि इफ आई हैव हैड दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन समवन्स लाइफ, कि उसको एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन मिला है मेरे लेक्चर्स सुन के, उस जर्नी में उसका ऐसा फील हुआ है कि हाँ यार कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा, दैट इज सच अ नाइस थिंग एंड आई एम सो 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 हैप्पी। मेरा जब भी जम्मू आने का होगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम, एंड आपका कभी भी राजस्थान साइड आने का हो डू लेट मी नो, माई टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू एंड वी ऑल विल हैव अ ब्रिलियंट आउटिंग इन जयपुर। देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेज दैट राजस्थान इज नोन फॉर, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। एंड आपके पूरे फैमिली को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट कहिएगा एंड कंग्रेचुलेशंस कहिएगा and all the very best for all the future milestones that you are going to achieve. I'm very very sure, sirf ye motivation rakhiye jo learnings net se li hai use aap continue kariye.